Bye.
Quindi chi tavo mi chiede? 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 Chi दो लकी चेक में नेम्स होगा, एक में है आदेश वेल्स पायल, वो आपका फर्स्ट प्राइस है, सेकंड में है वेडिंग डे 23 जनवरी, वो आपका सेकंड प्राइस है। Do it.
ईशो कैसे?
मैं तो बाट रही सलोणो रुक्मण सी भोजाई इवड़े मारे हर्ष घणे रो दिशा आज बधाई प्रेम झड़ी बरसावे मन मारो मुस्कावे माँ को जायो वीर चाव सु अपनो धर्म निभावे को।
Now wherever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that This Is Where. Oh, tenu suit suit karda. Oh, tenu suit suit karda. Suit karda. Tenu suit suit karda. Oh, ni tu lagdi Punjaban, lagdi Patola, lagge ni tu saryan to vakh ni. Tenu suit suit karda. ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਚੌਂਕ ਚ ਤਬਾਈ ਜਿਹੀ ਪਾਈਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚ ਤਬਾਈ ਜਿਹੀ ਪਾਈਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਹੈ ਨੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਫਿਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ से बताना हम समझ जाएंगे तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे हम राह ताके बैठे है कोई इजाजत दो हम राह ताके बैठे है कोई इजाजत दो तुम हाथ थाम लेना हम सवर जाएंगे तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे से बिन कुछ तुम कहे हम खामोशी पढ़ लेंगे अगर चुप तुम रहो हम खामोशी पढ़ लेंगे अगर चुप तुम रहो तुम आदत बनो हमारी हम बिगड़ जाएंगे तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे यार मेरे प्यार का मतलब समझता नहीं जमाना जमाने की फिक्र नहीं मैं चाहूँ तुम्हें समझाना हो एक मेरी ख्वाहिश यही के तुम में है बस जाना हो जितनी भी मुरादे तेरी मैं पूरे सब कर जाना कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे हमने अपने जज्बात भी सजा के है रखे कागजों पर सबने अपने लफ्ज लिखे हमने अपने जज्बात भी सजा के है रखे तुम आँखों में देखो हमारी सब समझ जाओगे तुम आँखों से बताना हम समझ जाएंगे तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे तुम आँखों से बताना हम समझ जाएंगे तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे
देवहितं सदायुः हजर सुंदरो नाम पुत्र सहज पितरो भवन्ति Oh my God.
पीछे बाराती आगे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा हे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा गोरी खोल दरवाजा देना शागुना दाच
बताने भावांगा रांझिया मैं तेरा कहलावांगा एक बारी दिल लग जाने दे दिल दा करार बन जावांगा सच्चिया मोहब्बता निभावांगी हीरे मैं तेरे कहलावांगी एक बारी दिल लग जाने दे दिल दा करार बन जावांगी इल्तजा दिल दी है एक पहल इश्क की होने दे दिल जानिए मैनू जी लैन दे दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे दिल जा
मोहब्बत कह लैण दे तुझे मैं देखा करूं आंखों की यही बस चाहत है दिन रात तुझे मैं देखा करूं तेरे साथ ही मेरी किस्मत है जीत की हार की एक पहल प्यार की होने दे दिल जानिए मैनू जी लैण दे दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैण दे दिल जानिए मैनू जी लैण दे दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैण दे मेरा रब तुझ में ही वसदा है दिल करता तेरी इबादत है मेरी राहें तेरे तक है तुझ पे ही तो मेरा हक है इश्क मेरा तू बेशक है तुझ पे ही तो मेरा हक है साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा सौ तेरी मैं कसम यही खाऊंगा किते वादियां नू उमरां निभाऊंगा तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा एक मैं हूँ एक ईमान
हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे, तो मेरे साथ रहोगी और दुख में तू बोला मैं कलकत्ता चली जाऊंगी, ऐसा नहीं बोलना है। कलकत्ता बहुत बड़ो है, आशीर्वाद पिता के घर भी नहीं जाना है, बाद होटल जो मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया आज इबादत रूबरू दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में, दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में।
मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गई नाथ जावा जी के केदारनाथ जावा जी तू कठा जावा जी या बोला मैं सिंगापुर जाऊंगी हे मुरली है मैं सिंगापुर जाऊंगी वो तीर्थ स्थान है क्या है बोला शादी के बाद व्रत करना पड़ेगा थनके बोली तीर्थो व्रतो ज्ञापन बोला व्रत करना पड़ेगा हेलो शुभ नाम बोलो बात दो टाइम फलियार ले लो और रात में एक टाइम भोजन करो या चीज कट्ठा भी लिखा ही नहीं बस कि दो टाइम फलियार ले लो रात में भोजन कर लो वो उपवास है वो नहीं बोला उपवास की ना बोला है बोरा आदमी आप ही 9 बजे जाकर दुकान खोले और रात में 9 बजे दुकान बंद करे शास्त्र बोले ये व्रत इसकी सी चर्चा भागवत शादी के बाद सुनो हवन करना पड़ेगो सुनते जा खाली पितर लोग पसंद हो जाते हैं आप शादी के बाद घर में पूजा पाठ हवन करेंगे या करवाएंगे और आपके घर अपने घर के पितर देवी देवता को मानेंगे अगर आप ये मांगेंगे तभी मैं आपकी पत्नी बनूंगी ये इनका दूसरा वचन है जो थाना बोली है 7 वचन है तीसरा वचन सुनो कुटुंब रक्षा भरने यदि तुम कुरिया पशु नाम परिपालनम जो बा मांगे मया मिदना तदीयम भाषित वाक्यम इनका तीसरा वचन सुनो यथा लखे बोल रही है आज का बाद कुटुंब की रक्षा करनी पड़ेगी आपको परिवार की रक्षा करने तो शास्त्र बोला है की रक्षा करनी चाहिए तो अगर भगवान कोई आदमी ने 2 पैसा देवा जिंदगी में वो 2 पैसा से अमीर है तो सबसे पहले अपना परिवार में रिश्तेदार में कोई आदमी कमजोर हो तो उसकी मदद करनी चाहिए याद रखियो भगवान जीवन में कभी कोई ना 2 पैसा देवा वो आदमी अमीर है तो सबसे पहले उन्होंने परिवार की हिफाजत करनी चाहिए कि परिवार में कौन कमजोर आदमी है मैं उसकी मदद करूंगा पहले परिवार में उनका बाद भी आपका कहना थोड़ा बहुत पैसा है तो समाज में कौन आदमी की ना आप सकता है खाना की भोजन की बचाना पढ़ाई की आपकी समाज की रक्षा करनी चाहिए तीसरा आदमी में गरीब आदमी को नाम याचित है जिंदगी भर भगवान 2 पैसा देवा तो तीनों बात पर कट करो ना बड़े चले जाओ 3 वचन है चौथा वचन
नित्या बामांडमया मितदा त्वदीयं भासेते बाद्यं चतुर्थम। या क्या बोल रहा है? आज का बाद साल भर में जो कमाओगा सबको हिसाब में ना देना पड़ेगा। सारी ऑडिट फेल रखी, ऑडिट कर सब ऑडिट साथी का वास्ता फेल हो जाएगा भैया। क्या बात है? अकाउंट को काम क्या बोल रही थी? सब हिसाब देना पड़ेगा, साल में क्या कमा रहे हैं, क्या खर्चा कर रहे हैं। लेकिन माँ बाबू जी ने जो देव का भाई नहीं बताई सोचने वाली बात है। आप क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या आमदनी कर रहे हैं, इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। और थोड़ा सा पैसा मेरे को भी महीना में एक बार दे दिया थोड़ा बहुत खर्चा पाने के लिए। ये चौथा वचन है कन्या का, ठीक है? अब पांचवा वचन सुनो, या थाना बोल रही है गुड़िया। देवालया राम तड़ा तू पापी विद ये था अदपुर ये था बा मांगे मया मितदा त्वदीयं भासे ते बाद्यं पंचमं कुमारी। या क्या बोल रही है? मारवाड़ी का बच्चा ऊपर बानिया को बच्चे, या बोल रही है मंदिर थाना बनवाना पड़ेगा ब्याह का बाद, या थाना बोल रही है नाथ आश्रम रूम बनाना पड़ेगा, कोई जमीन खरीदा बगीचो दान में दे देना पड़ेगा। तो कहना कोई यो मतलब है कोई चंदा लेकर कोई आदमी आ गयो मंदिर में, आप मंदिर में चंदो दे दीजिए। अनाथ आश्रम में जीवन में कभी मुको लाजो कोई आदमी आयो वही को वातावरण उन्हें मदद दे दिया। तो इसलिए आप शादी के बाद मंदिर बनाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, बाद बगीचे बनाएंगे, ये सब बात अगर तेना मंदिर बनना जी तो नहीं बनना जी, ठीक है ना? पांच वचन हो गया, छठा वचन सुनिए। देशांतरे वासा पुरांतरे वा यदि प्रतुरिया करे बिगड़े तुम वा मांगे मया मितदा त्वदीयं भासेत बाद्यं वचनं तुमार। यह थाना के बोल रही है छठा वचन में, शास्त्र के बोल रहा है एक लाइन लिख रखी है, बोला लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन बोला लालच ना कोई भी आदमी जिंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। ये लिख रही चीज है, लालच कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन लालच ना कोई भी आदमी ने लालच कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब चीजें लिख कर विषय आज के बाद जब 2 रुपया बेसी मिल रहा है थानू गाँव में कमाने के लिए जानो पड़ेगा, पूरा मिल रहा है बार मिल रहा है जी जगह 2 रुपया, थोड़ा बहुत लालच रखना पड़ेगा। 1 रुपया की चीज 2 रुपया बेच के 2 रुपया में अपना बेचना हुआ। छह वचन हो गया, इनका लास्ट वचन सुन लीजिए। बाबा बोलिए, वचन बोल रही है कन्या। नसीबनी का सात क्वाले पुरिया भामनी दीबा मांगे मया मितदा त्वदीयं भासेत बाद्यं सप्तमं कुमार। सातवां वचन सुन ले, क्या बोल रही है? आज सब आप कोई भी लड़की देखे तो अठी अठी नजर कभी भी तीन घूम रही है देखा आप इधर 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 मुंडी तब एकदम नहीं करो ना ट्रेन में ना फ्लाइट में क्या बोल रही है मतलब ये क्या बोल रही है आपको कि आज का बात हो सका आपने समाज में मेरे साथ कोई छोटी बेटी है और वह छोटी लड़की है वह कुंवारी है बोले आज के बाद मेरी बेटी है वो भी कुंवारी कन्या तना मिल जाएगी तो बेटी बोलना चालू कर दिया फिर के बोल रही है ऐसा हो सकता है कि मेरी जितनी बड़ी कोई लड़की है वह कुमारी है बोलिए मेरी साक्षात बहन है। क्या बोलो बराबर वाली। तो ये सब चीजें हैं, तुम जीवन में सुख में भी मेरे साथ रहोगी और दुख में भी मेरे साथ रहोगी। काम इश्क मेरा काम इश्क मेरा काम
जकड़ लूं ये ठंडा चांद पकड़ ओ ये काली रात जकड़ लूं ये ठंडा चांद पकड़ लूं दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा रहा ना मैं फिर अपने ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैल इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैल ये लाल इश्क ये मलाल बोलो चलिए चलिए चीजू आप इतना देर वेट करवाएंगे तो ऊपर आए थे क्या नहीं ना बेचारा देना बेचारा दूल्हा भी थका हुआ है सामान कौन चोरी करता है अरे चीजा वो कितना अच्छा चप्पल दे रहे उसको बचाना हो सकता है ब्रांडेड है दूसरे लोग भी दीजिए नेक 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 देने का नेक जुबां है फीकी शाम से हुई ना तो से बात भी बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी करूँ मैं ये गुजारिशें मोहब्बतों का मोल दे नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा गोल इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी मैं ना मांगूंगा धूप धीमी धीमी मैं ना मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी
सवालों में जो तू हो तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हूँ देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता ये कैसी तेरी आरज़ू ये कैसी तेरी ख्वाहिश तुझी से देखो मैं करूँ तेरी ही फरमाइश तू बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी मैं ना मांगूंगा धूप धीमी धीमी मैं ना मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी तेरी वफाओं का उजाला हमेशा मेरे संग संग चलता हो तारे गिनू क्यों रातों को मैं मेरा तो कभी दिन ही ना ढलता निगाहों में जो ख्वाब सा आता है तेरा प्यार है तू ही है मेरे सामने तेरा ही इंतजार बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी मैं ना मांगूंगा धूप धीमी धीमी मैं ना मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी से खान मजको दू मैं रुक साथ म्यान बल जानो पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो मैंने इतना दिन दूर से ही आप लोगों का कृति सुना है जिससे क्या हुआ ना आँख की कृति हुई ना कान की कृति हुई तीनों में विवाद पहले से था ना जब आपका आज दर्शन हो गया तो हम लोगों को सभी अनुभव हो गया तो आप कैसे आदमी हैं क्या हैं ये सब अनुभव हो गया अब ये कह रहे हैं अस्वम गजम न हिरण्य दानम कौशीय वस्त्र न हेम रत्नम शुद्धम कन्या प्रदामी तुभ्यम शिव संत प्रसादक
शिव स्थान पर सीधा कहते हैं देखो दिए में दिए क्या एक शुद्ध कन्या जो था वो हम आप लोगों को अर्पण किए, आप लोग उसको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो। जल से कमल की शोभा बढ़ती है और कमल से जल की शोभा बढ़ती है, रात्रि में आसमान से तारों की, तारों से चंद्रमा की शोभा बढ़ती है, इन दोनों इन तीनों से रात्रि की शोभा बढ़ती है। आपने कहा ना हाथी दिया ना घोड़ा दिया, हाँ लोकी कृति लक्ष्मी से गृह माता थारे बचपन से सामान्य कन्या थी, गंगा जल तब पवित्र लक्ष्मी के समान थे, मैंने कन्या सोख दिया हो इक अलावा मेरे को ना की चाहिए। हर हर महादेव। एक मिनट लक्ष्मी बाकी मानो के चाहे आप लोग 2 इंच करने ही है।